हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। हमारी क्लास थर्ड ईवीएस की सीरीज चली हुई है और इस सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर टू द प्लांट फेरी। ये हमारा पार्ट वन है। पार्ट टू में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी वर्कशीट जिसकी सहायता से आप इस चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। जो पिछला संडे था हम कहाँ गए थे, बगीचे में जो कि पड़ोस में ही है। वी प्लेयड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। क्या खेला हमने, छुपम छुपाई और अंताक्षरी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मज़ा किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद दीदी सैड, दीदी ने कहा लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। आओ आज हम कुछ नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेयड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। ये गेम हमने पिछले साल जो है कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं क्या बनूंगी, पौधों वाली परी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। देखिए जो प्लांट फेरी है वो आपको कुछ ना कुछ नाम बोलेगी और आपको वो टच करना है, यानी कि उसको छूना है। द गेम बिगिन, खेल जो था वो शुरू हो गया। दीदी सैड, दीदी ने कहा द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। कि प्लांट जो फेरी है उसने कहा है कि आपको कुछ जो प्लांट है उसको टच करना है। एट वंस, और एकदम ऑल द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द प्लांट। सभी बच्चे जो है प्लांट की तरफ दौड़ गए। अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने कौन सा प्लांट पकड़ा, मैरीगोल्ड का। मैरीगोल्ड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गेंदे का पेड़। शबनम सेट टचिंग अ जास्मिन प्लांट। और शबनम किसको पकड़ कर बैठ गई, जास्मिन के पौधे को। माइकल टच्ड अ मेहंदी बश। जो माइकल था उसने मेहंदी के पेड़ को छुआ। दयाराम कोट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। और जो दयाराम था वो नीम के पेड़ को पकड़ कर खड़ा हो गया वहाँ पर। आगे है दीदी सैड वेरी गुड एवरी वन हैज टच्ड अ प्लांट। दीदी ने कहा बहुत अच्छा, सभी ने प्लांट पौधे को टच किया है। बट हैव यू नोटिस दैट ऑल प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि सभी पौधे एक दूसरे से अलग हैं। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट सैड शबनम। शबनम ने कहा दीदी आप भी एक छोटे पौधे पर बैठे हुए हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या तुम उस पौधे का नाम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी हुई है। द गेम स्टार्टेड अगेन, खेल दोबारा शुरू हो गया। द प्लांट फेरी नाउ सेड अ प्लांट। जो फेरी थी उसने कहा टच अ ट्री, उस पेड़ को छो विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। देखिए ट्रंक होता है वृक्ष का तना, या तो उसका मोटा हो या पतला हो। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विद अ थिक और थिन ट्रंक। जो बच्चे थे वो दोबारा दौड़ गए छूने के लिए मोटे या पतले तने वाले वृक्ष को। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर। क्या आपने कभी एक ऐसे पेड़ को देखा है, इतने मोटे तने वाले पेड़ को, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को जो गेम था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, यानी कि उसको बहुत मज़ा आया। ही थॉट, उसने सोचा हाउ लकी द फेरी वॉज, कि जो फेरी है वो कितनी लकी है, किस्मत वाली है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड, उसने अपने सभी चारों ओर सभी हुक्म दिया है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, अब मैं भी जो है वो प्लांट फेरी बनूंगा सैड माइकल। माइकल ने कहा द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अलाउड का मतलब सारे बच्चे जो थे बहुत तेजी से हंसे। अ बॉय फेरी, एक लड़का बनेगा फेरी। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। दे वर नाउ रेडी, अब वो सब रेडी थे ऑर्डर लेने के लिए एक नई प्लांट फेरी से। माइकल सैड गेट मी सम लीव्स क्विकली, जल्दी से मुझे कुछ पत्तियां लाकर दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट सैड दीदी। बट याद रहे कि आपको जो लीव्स है ना वो तोड़नी नहीं है प्लांट से, दीदी ने कहा।
द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड, जो बच्चे थे वो दौड़ गए पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। नेक्स्ट पेज पे है हमारे, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप एंड मार्जिन, क्या सभी पत्तियाँ रंग में साइज में और आकार में एक जैसी है। दयाराम सेड, दयाराम ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, दैट देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, वहाँ पर सो मैनी यानी कि बहुत सारी टाइप्स की तरह की पत्तियाँ थी। लुक, सम आर राउंड, कुछ गोल है, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी है, एंड सम आर ट्राइंगुलर, कुछ तिकोण है। अम्मू सेड, दे आर सो मैनी डिफरेंट कलर एज वेल, अम्मू ने कहा, देर आर सो मैनी डिफरेंट कलर की बहुत सारे जो है विभिन्न रंग भी हैं, सम आर लाइट ग्रीन, कुछ हल्के ग्रीन रंग की है, एंड सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ गहरे हरे रंग की है, सम आर इवन येलो रेड एंड पर्पल, और कुछ तो पीली लाल और बैंगनी कलर की भी है। देर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेज ऑन इट, देर इज वन, और एक पत्ती ऐसी भी है जो ग्रीन कलर की है और उस पर वाइट कलर के यानी कि सफ़ेद कलर के पैच धब्बे भी हैं। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देखो यहाँ तक कि मार्जिन का मतलब होता है यहाँ पे एज यानी कि किनारे, वो भी डिफरेंट एक दूसरे से, कुछ तो सीधे हैं यानी कि स्ट्रेट है और कुछ अनइवन यानी कि असमान है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक आशा सैड सबनम, और कुछ तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, सा यानी कि आरी जो लकड़ी को काटने के काम आती है, सबनम ने कहा। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अम्मू और जो शबनम थी वो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाई, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, हमें भी क्या बनना है, पौधों वाली परी बनना है। दीदी सैड, दीदी ने कहा, नोट टुडे, आज नहीं, मे बी द नेक्स्ट संडे, अगले संडे, इट इज़ द टाइम टू गो होम नाउ, अब वक्त हो गया है कि हम घर चले। ऑन द वे बैक, वापसी रास्ते में, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, दीदी ने सभी को एक कविता सुनाई।